So what do you want to say? Highly disappointing yaar, mere ko achhi nahi lagi picture. Why? Story bhi bahut poor tha, writing bhi bahut poor. अक्षय कुमार को मैं एक एडवाइस दूंगी कि प्लीज सर, साल में सिर्फ दो ही मूवी बनाए, अच्छी बनाए, ऐसी थी खराब बकवास. जैकलीन के बारे में, जैकलीन नुसरत क्यों लिया उन्हें, मुझे यही समझ में. अक्षय कुमार अकेली मूवी बना लेते तो भी चल जाता था, उनका रिक्वायर्ड नहीं था वो मूवी में. तुम्हें फर्स्ट हाफ कैसा लगा? बोरिंग, स्लो, ऐसे लग रहा था नींद आ रही है मुझे. और सेकेंड हाफ भी ओके, लास्ट का क्लाइमेक्स थोड़ा सा, वो जो जेल रूम में को जॉली LLB का याद दिलाया. आई मीन सीरियसली, अक्षय कुमार ने स्पेशल 26 दी है, रुस्तम एलिव जैसी मूवीज दी है, एंड नाउ वी सी दिस काइंड ऑफ मूवीज फ्रॉम हिम, ट्रूली डिसअपॉइंटिंग. एंड लास्ट की क्लाइमेक्स को अगर कुछ 5 आउट ऑफ कितने स्टार्स देना रहेगा तो कितने दोगे? 3. एंड व्हाट अबाउट अक्षय कुमार एक्टिंग? उनकी एक्टिंग तो मैं बहुत अच्छी है. उनकी एक्टिंग इतनी, मतलब मैं बता रही हूँ ना कि हाँ, उन्होंने अपना जो किरदार था वो उतना सही करा. Lastly, 5 out of 5 stars. 2 stars. Thank you. Movie was very good. कुछ ऐसी बातें जो आपको काफी अच्छी लगी हो मूवी? रिलीजियस मूवी थी तो एक पहले से रिलीजियस तो पूरे इंडिया है ही, तो एक बार देखने का नाम से तो सबको पता है क्या है, लेकिन एक कुछ नई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए पब्लिक को आना चाहिए, एक बार सपोर्ट करना चाहिए. इट्स ऑल्सो गुड. अक्षय कुमार सर की एक्टिंग की बात, ही फिट्स इन ऑल द रोल, मतलब वो एक्टिंग के बारे में उनको कोई बीट कर ही नहीं सकता. स्टोरी लाइन आपको कैसी लगी, एंड ऑफ दिस, एंड ऑफ द पार्ट? स्टोरी बहुत थोड़ा बहुत पता ही था, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, इट वॉज गुड. मतलब और नुसरत जैकलिन भी है, उनकी किरदार के बारे में क्या? दे आर ऑल्सो गुड एक्टर्स. फायर्ड ऑफ द स्टार्स टू